My hotel is nearby that side, and I am here. Woohoo! Hi. बहुत सारी चीजें मैं कवर कर सकता था, बट ये क्या भी। हाय एवरीवन, मेरा नाम है जय और आज से स्टार्ट होने वाली है मेरी ग्रीस सीरीज। तो सबसे पहले मैं पहुंच गया हूं बेंगलुरु एयरपोर्ट और वहां पे मैंने किया अपना बैग ड्रॉप और फिर मैं चला गया इमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद में हमारा सिक्योरिटी चेक इन हुआ और हम पहुंच गए ड्यूटी फ्री एरिया में। तो मेरी फ्लाइट होने वाली है बेंगलोर से बहरेन और बहरेन से एथेंस, जो है ग्रीस की राजधानी। तो बोर्डिंग कंप्लीट होने के बाद मैं एयर होस्टेस ने चेक किया हमारी बेल्ट और फिर हमारे शुरू हुए इंस्ट्रक्शन फ्लाइट सिक्योरिटी के। A few moments later. फाइनली टेक ऑफ होने के बाद हम आ गए हैं बादलों में और बादलों से ऐसा कुछ दिखता है व्यू। सो थोड़ी देर बाद हमें मिला अपना मील, जिसमें था पराठे, बन, बटर और थोड़े फ्रूट। तो अब हम फाइनली लैंड होने वाले हैं बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाकई में काफ़ी खूबसूरत था। तो हमारा यहाँ पे हुआ सिक्योरिटी चेक इन और उसके बाद में मैंने खाया बर्गर किंग से वेज बर्गर और मोज़रेला स्टिक। अब हमारी सेकंड फ्लाइट की भी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो हमें सीधे लेके जाएगी एथेंस, जो है ग्रीस की राजधानी। यहाँ से हमें दिख रहे हैं एथेंस के आसपास के आइलैंड, जो कि काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं। तो अब मैं पहुंच गया हूं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन, जो है एथेंस। तो एयरक्राफ्ट से निकलने के बाद हम चले गए इमिग्रेशन की तरफ, जहां हमारा इमिग्रेशन केवल 2 मिनट के अंदर हो गया। उसके बाद में मैं चला गया बैगेज कलेक्ट करने के लिए, जहां मैंने अपना बैग कलेक्ट किया। तो थोड़ा वॉक करने के बाद में हम पहुंच गए कस्टम में। कस्टम क्लियर करने के बाद में हम निकल आए हैं एयरपोर्ट से बाहर। तो बाहर निकलने के बाद में मैंने की उबर बुक। तो अब मैं बैठ चुका हूं कैब में और यहां से मैं जा रहा हूं अपने होटल। तो आप लोग यकीन नहीं करोगे, पर उबर ने भेजी मर्सिडीज बेंच कैब, जिसकी कॉस्ट ही 55 यूरो, जो कि इंडिया में होते हैं करीब 5,000 रुपये। उसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था और आप देख सकते हो बाहर का व्यू। A few minutes later. तो फाइनली मैं होटल पहुंच गया हूं और होटल में मैंने किया चेक इन। चेक इन करने के बाद मैं आ चुका हूं अपने रूम की तरफ। तो मैं रुक रहा हूँ लाइट हाउस एथेंस होटल में, जो कि एक 4-स्टार होटल है और ये अंदर से काफ़ी खूबसूरत लग रहा है मुझे। तो मेरे होटल के रूम से ओमोनोइया स्क्वायर कुछ ऐसा दिखता है। तो बैग रखने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा बाहर घूम के आए, तो आ चुका हूँ मैं बाहर। स्ट्रीट ऑफ एथेंस ग्रीस। And he is Gopa Vasant. Woohoo! Hi. It would be very good journey for us. Look at the Jay. A few moments later. I am here. See, at the back end there is a fountain. So, yeah. A few minutes later. So we are going to cross the road from the zebra crossing only. We can't do anything like we used to do in India. We will wait and then we will cross the road. तो अब मैं जा रहा हूँ ओमोनोइया स्क्वायर को देखने के लिए। Building, Omni Square. My hotel is nearby.
that side. So yeah, it is very good. Like you can see that. A fountain and everything. A few moments later. और मनोयर स्क्वायर देखने के बाद मैं आगे बढ़ चुका हूँ कुछ और जगहें देखने के लिए। रास्ते में मुझे मिला टेलीफोन बूथ, जो कि बहुत पुराने समय की याद दिला रहा था। इसके बाद मुझे रास्ते में एक जगह मिली जहाँ पर केवल झंडे ही झंडे थे। मुझे सेल्फी स्टिक लेके आनी चाहिए थी, क्योंकि सब सेल्फी स्टिक लेके आता तो बहुत सारी चीज़ें मैं कवर कर सकता था। पर यह क्या, अभी देख रहे हो काफ़ी हाथ दूर रखना पड़ रहा है, अगर जूम आउट करना है तो मुझे थोड़ा व्यू दिखाना है, अदरवाइज मेरा स्पेस पूरा का पूरा वो ले लेगा स्पेस वीडियो। सो दैट इज़ व्हाई आई एम टेकिंग इट, मुझे अपना हाथ बड़ा लंबा करना पड़ रहा है। सेल्फ स्टिक होती तो आई डोंट नीड टू डू दैट। इसके बाद मैं पहुंच गया हूं फॉलन एविएटर मॉन्यूमेंट, और आप देख सकते हैं यहां के चारों तरफ का व्यू। तो कुछ ऐसा रहा आज मेरा ग्रीस में पहला दिन। अभी मैं जा रहा हूँ अपने होटल, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।